दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वे जो सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं और दूसरे वे जो स्वयं से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे ही लोग दुनिया को सुंदर बनाते हैं। दूसरी श्रेणी के ज़्यादातर लोग विचारक, लेखक या फिर सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, पर इस श्रेणी का कोई व्यक्ति उद्योगपति भी हो सकता है, या एलन मस्क ने कर दिखाया है। एलन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं, जो अपनी युवावस्था से ही दुनिया को सुंदर और सुविधाजनक बनाने का सपना देखते रहे हैं। एलन मस्क अपनी भविष्योन्मुखी सोच और जुनून के लिए जाने जाते हैं। वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रॉकेट साइंटिस्ट और उद्योगपति के साथ ही अभिनेता भी हैं और कई डॉक्यूमेंट्रीज तथा कॉमेडी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वे वर्तमान में अपनी इलेक्ट्रिक कार, सैटेलाइट के जरिए गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना, ज़मीन के भीतर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाइपरलूप ट्रेन और मंगल ग्रह पर बसाई जाने वाली मानव कॉलोनी संबंधी योजनाओं के लिए चर्चा में रहते हैं। तो आइए आज हम दुनिया के इस सबसे चर्चित व्यक्ति के बारे में जानते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे कामयाबी के इस मकाम तक कैसे पहुँचे हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन की मां का नाम मे मस्क है और वे एक मॉडल और डाइटिशियन थीं। एलन जब 10 साल के थे तभी उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था। तलाक के बाद एलन अपने पिता के साथ रहने लगे थे। एलन की शुरुआती पढ़ाई वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से हुई। सन 1989 में एलन जब महज 17 साल के थे तो वे कनाडा चले गए। वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन में प्रवेश लिया, पर 2 साल बाद उन्होंने अपना ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में करवा लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिज़िक्स की BA की डिग्री हासिल की और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी प्राप्त की। सन 1995 में PhD के लिए एलन ने कैलिफोर्निया जाने का निश्चय किया। वहां पर उन्हें इंटरनेट का ज्ञान हुआ। इससे उनकी सोच एकदम से बदल गई और उन्होंने 2 दिन में ही अपना एडमिशन वापस ले लिया। एलन को बचपन से ही किताबों में बहुत रुचि थी। कहा जाता है कि उन्होंने 10 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ ली थीं जितनी आज के ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाते हैं। 12 साल की उम्र में एलन को उनके पिता ने एक कंप्यूटर लाकर दिया था। एलन ने किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग सीखी और ब्लास्टर नामक गेम बना दिया। बाद में उन्होंने वह गेम एक अमेरिकी कंपनी को $500 में बेच दिया। एलन ने सन 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामक कंपनी बनाई। यह कंपनी न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। इस कंपनी को 1999 में कॉम्पैक ने खरीद लिया। Zip2 में एलन के 7% शेयर थे, जिसके एवज में उन्हें $22 मिलियन प्राप्त हुए थे। Zip2 से मिले पैसों से एलन ने सन 1999 में $10 मिलियन खर्च करके X.com कंपनी बनाई। यह कंपनी फाइनेंशियल सर्विस देने का काम करती थी। एक साल बाद ही X.com का कॉन्फिनिटी नामक कंपनी में विलय हो गया। कॉन्फिनिटी कंपनी मनी ट्रांसफ़र की सर्विस देती थी, जिसका नाम बाद में PayPal कर दिया गया। विलय के बाद एलन मस्क और बोर्ड मेंबर्स के बीच में एक विवाद हो गया, जिससे PayPal को बेचने का निर्णय लिया गया। इस तरह सन 2002 में eBay कंपनी ने PayPal को खरीद लिया। इस सौदे के फलस्वरूप एलन मस्क को $165 मिलियन प्राप्त हुए थे। एलन अपनी युवावस्था से ही ऐसी बातों को लेकर सोचते रहे हैं जिनसे भविष्य में मानवता प्रभावित हो सकती है। उनमें से एक बिंदु था धरती पर मानव का जीवन। धरती पर मनुष्यों की बढ़ती भीड़ के मद्देनज़र उन्होंने मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी बनाने का सपना देखा
और वर्ष 2002 में स्पेस एक्स कंपनी की नींव रखी। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले रॉकेट विज्ञान का अध्ययन किया और उपयोग हो चुके पार्ट्स की मदद से फेल्कॉन नामक रॉकेट बनाया। यह रॉकेट बेहद सस्ता है और इसकी उपयोगिता के कारण नासा भी अंतरिक्ष स्टेशन तक सामान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करती है। एलन मस्क ने सन 2050 तक मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों के रहने लायक मानव बस्ती बनाने का सपना देखा है। उन्होंने मंगल तक की इस यात्रा के खर्च को प्रति व्यक्ति के हिसाब से $2 लाख यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए वे रॉकेट और स्पेसशिप को रीयूजेबल बनाने, रिफिलिंग ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षा में फ्यूल भरने और मंगल ग्रह पर ही प्रोपेलैंड यानी रॉकेट का फ्यूल बनाने की दिशा में सोच रहे हैं। स्पेस एक्स कंपनी एक ऐसे रॉकेट पर भी कार्य कर रही है जिसकी मदद से 550 टन का पेलोड अंतरिक्ष में ले जाया जा सके। इस खास तरह के रॉकेट में राफ्टर इंजन का प्रयोग किया जाएगा। कंपनी एक रॉकेट में 42 राफ्टर इंजन का इस्तेमाल करेगी तथा मंगल पर जाने वाली स्पेसशिप में 9 राफ्टर इंजन लगाए जाएंगे। एलन मस्क ने 2022 में छोड़े जाने वाले इस स्पेसशिप का नाम स्टारशिप रखा है और अब तक इसकी कई टेस्टिंग्स भी की जा चुकी हैं। एलन मस्क मंगल पर मानव कॉलोनी बसाने संबंधी अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हम स्पेसशिप में बिना ईंधन भरे हुए उसे रॉकेट की मदद से पृथ्वी की कक्षा तक ले जाएंगे। उसे पृथ्वी की कक्षा में छोड़कर रॉकेट धरती पर लौट आएगा। इसके बाद रॉकेट धरती से ईंधन टैंक लेकर जाएगा और ऑर्बिट में ही उसे स्पेसशिप से जोड़ देगा। इसके बाद स्पेसशिप अपने ईंधन और सौर ऊर्जा की मदद से मंगल के लिए रवाना हो जाएगा। मंगल पर पहुंचकर स्पेसशिप सबसे पहले वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और धरती के अंदर मौजूद पानी की मदद से मीथेन गैस का उत्पादन करेगी और उसे प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल करेगी जिससे स्पेसशिप वापस धरती तक लौट सके। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है जो कि रिहायश के नज़रिए से बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके लिए भी एलन मस्क के पास एक ठोस प्लान है। वे कहते हैं कि हम मंगल के वातावरण को गर्म करने के लिए उसके ध्रुवों पर जमी बर्फ में न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। इससे बर्फ में फंसी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी और वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाएगा। इससे मंगल का वातावरण धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और मनुष्यों के रहने लायक बन सकेगा। एलन मस्क ने वर्ष 2004 में टेस्ला मोटर्स में $7.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। अपनी ज्वाइनिंग के साथ ही एलन ने इलेक्ट्रिक कारों पर काम करना शुरू किया जिससे धरती को प्रदूषण से बचाया जा सके। वे 2008 में टेस्ला के CEO बने। उनका पहला सपना है कि 2030 तक सड़कों पर मौजूद पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिप्लेस कर दिया जाए। इसके लिए वे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों और ड्राइवर रहित गाड़ियों पर भी काम कर रहे हैं। एलन मस्क ने वर्ष 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और देखते ही देखते इसे अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी बना दिया। अपनी भविष्य की रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए सन 2016 में एलन मस्क ने $2.6 बिलियन में सोलर सिटी को खरीद लिया और उसका टेस्ला मोटर्स में विलय कर लिया। अब सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है ताकि वह भविष्य में ज़्यादा बेहतर और सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बना सकें। एलन मस्क जिन अन्य योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं उनमें हाइपरलूप ट्रेन का भी नाम शामिल है। हाइपरलूप एक तरह से कैप्सूल ट्रेन है जो पाइप के अंदर चलती है। इस ट्रेन में पाइप के अंदर बिना घर्षण और वायु प्रतिरोध के एक कैप्सूल को मूव किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को एलन मस्क ने वर्ष 2012 में लॉन्च किया था। उनके अनुसार इस तरह की ट्रेन से मनुष्य
1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। इसके अलावा एलन मस्क सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। उनकी इस योजना का नाम स्टारलिंक है। स्टारलिंक नामक इस कंपनी का 42,000 सैटेलाइट के जरिए दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। हालांकि कंपनी ने अब तक लगभग 1,081 सैटेलाइट्स ही लॉन्च किए हैं, जिससे लगभग 10,000 ग्राहक जुड़े हुए हैं। पर स्टारलिंक को अनुमान है कि जल्द ही वह 12,000 सैटेलाइट लॉन्च कर देगी। स्टारलिंक ने अपने 42,000 सैटेलाइट लॉन्च के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2025 का टारगेट तय किया है और वह इस दिशा में पूरी गंभीरता से अपने कदम बढ़ा रही है। एलन मस्क बिजनेस के क्षेत्र में जितने सफल रहे हैं, पारिवारिक नज़रिए से वे उतने ही असफल माने जाते हैं। एलन ने अब तक 2 महिलाओं से 3 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी वर्ष 2000 में जस्टिन विल्सन से हुई थी। जस्टिन से उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से ग्रिफिन और जेवियर का जन्म 2004 में जुड़वा के रूप में हुआ था। इसके बाद 2006 में उनके एक साथ 3 बच्चे हुए, जिनके नाम काई, सेक्शन और डेमियन हैं। सन 2008 में एलन का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। वर्ष 2010 में मस्क ने ब्रिटिश अभिनेत्री तालुला रिले से शादी की, लेकिन 2012 में ही उनका तलाक हो गया। इसके बाद 2013 में एलन ने पुनः तालुला से विवाह किया, लेकिन यह बंधन भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और 2016 में उनका पुनः तलाक हो गया। एलन ने अपने 50 साल के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रॉकेट साइंटिस्ट, सफल उद्योगपति के साथ ही 4 पेटेंट के स्वामी भी हैं और कई डॉक्यूमेंट्री व कॉमेडी मूवीज़ में एक्टिंग भी कर चुके हैं। हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म आयरन मैन उनके व्यक्तित्व को ही सामने रखकर बनाई गई है। वैसे तो एलन मस्क 8 जनवरी 2021 से 26 मई 2021 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तख्त पर भी विराजमान रह चुके हैं, पर 11 जून 2021 तक उनकी नेटवर्थ $147 बिलियन है और इस नज़रिए से वे विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थापित हैं। लेकिन एलन उन व्यक्तियों में से नहीं हैं जो यहीं पर रुक जाएं। वे जिस जुनून के साथ अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, ऐसे में हमें किसी भी दिन यह ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के CEO एलन मस्क अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं।